joint family है तो पैसों के लिए बड़ा तरसना पड़ता था एक एक दो दो रुपए के लिए तो वहां से कई चीज एक दिमाग में बैठ गई थी कि कुछ ऐसा करना है जिससे ये सारी परेशानियां हट जाएं मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था आई वांट टू बी एन एक्टर उन्होंने बोला कि नाटक देखे हैं मैंने कहा नहीं पढ़े हैं मैंने कहा नहीं कुछ उनके बारे में जानते हो मैंने कहा नहीं मैंने बस इतना बोला मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए सर मुझे मौका दे दीजिए मैं मेहनत करूंगा उसके बाद शिकायत नहीं मिलेगी ये सोच लिया था कि ये शायद मेरा अब पहला और आखिरी मौका है इसके बाद कुछ नहीं होने वाला अगर मैंने ये क्रैक नहीं किया या मुझे नहीं मिला तो मैं खत्म हो जाऊंगा हेलो एवरीवन मेरा नाम जतिन सरना है और मैं हमेशा चाहता था कि मेरा अगर कोई दूसरा नाम हो मेरे निकनेम के अलावा तो वो जोश हो पता नहीं मुझे इस ऐसा नहीं कि मैं जोश टॉक पे आया हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट आई ऑलवेज वॉन्टेड बिकॉज बहुत पैशन और बहुत जज्बा भर के रखा हुआ मैंने अंदर और वो सिचुएशन और हालातों के साथ ही बना है सो आई कम फ्रॉम द सिटी दिल्ली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ वहीं मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करी है और वहीं पर कुछ छोटे मोटे काम भी करें बिफोर फाइनली डिसाइडिंग दिस दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं लोअर क्लास फैमिली से होते हैं रिच फैमिली से होते हैं मैं उस फैमिली से जहाँ पे कर्जा बहुत था तो फाइनली वो चीज़ें देख के बचपन से जब एक जॉइंट फैमिली में आप पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं स्ट्रगल आपका तभी से शुरू हो जाता है तो मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है और मैंने वहीं से स्कूलिंग भी की ग्रेजुएशन भी की सब कुछ बहुत आराम से किया स्कूलिंग की तो 9th में फेल हुआ 10th में कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की क्योंकि मेरे स्कूल में मना कर दिया था मेरे टीचर ने कि तुमको रिज़ल्ट ख़राब नहीं करने देंगे हम स्कूल का और उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया उन्होंने बोला तुम सिटिंग कर सकते हो बट एग्ज़ाम तुम बाहर से ही दोगे सो कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने एग्ज़ाम दिया मैं पास हो गया एंड मेरा बिल्कुल फिल्मी सा मामला हुआ मैं वापस स्कूल में आया उसी में एडमिशन लेने बिकॉज मैं बचपन से उसी स्कूल में पढ़ रहा था मेरी माता जी मेरे साथ थी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ तो वो साथ में गई इंचार्ज मैडम से उन्होंने बोला कि ये पास हो गया तो इसको अब एडमिशन दे दीजिए स्कूल में बचपन से पढ़ रहा है तो बोले कि नहीं इसको जो ये मांग रहा है ये कह रहा है कॉमर्स करना है इसे बट कॉमर्स हम नहीं देंगे इसके नंबर उतने नहीं है तो उन्होंने बोला आर्ट्स हम इसको देंगे तो मैंने बोला आर्ट्स मुझे करनी नहीं है ऑलरेडी मेरे घर में दो मेरे से पहले ग्रेजुएट्स हैं वो आर्ट्स ही करके बैठे हुए हैं तो मुझे कुछ अलग करना है तो ये एक और बड़ा फैक्टर है मेरी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का तो मैंने बोला मैं कॉमर्स से पास मतलब मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ उन्होंने बोला आपके इतने नंबर नहीं है और आप जा सकते हैं मेरी माता जी ने कहीं पर वो हाथ वाथ जोड़ दिए इंचार्ज के सामने कि प्लीज़ इसको एडमिशन दे दो पता नहीं एकदम कहाँ वो एक अंडरडॉग एंग्री यंग मैन मेरे अंदर आ गया और मैं एकदम से खड़ा हुआ और मैंने बोला कि हाथ वाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आप चलिए यहाँ से नहीं लेना मुझे यहाँ पे एडमिशन मैं कुछ भी करूँगा लेकिन यहाँ एडमिशन नहीं लूँगा पढ़ूंगा मैं बाहर जाके कहीं चाहे मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़े फिर वहाँ से मैं किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे मैंने अपना जो है वो बरकरार रखा रिकॉर्ड मैं 11th में फिर फेल हुआ प्राउडली और लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाला नहीं उन्होंने कहा ठीक है इसको 12th में हम चढ़ा देते हैं लेकिन 12th पास कर जाना भाई 12th मैंने किसी तरह से फाइनली बिकॉज CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें मैंने पास कर लिया तो कैसे कैसे करके मैंने पास किया बचपन में बहुत सारी चीज़ें देख रहा था बिकॉज जॉइंट फैमिली है तो पैसों के लिए बड़ा तरसना पड़ता था एक एक दो दो रुपए के लिए तो वहाँ से कई चीज़ एक दिमाग में बैठ गई थी कि कुछ ऐसा करना है जिससे ये सारी परेशानियाँ हट जाएं तो मैं रोज़ एक नई इंस्पिरेशन अपने लिए ढूंढने लगता था उन लोगों से इंस्पायर होता था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है कोशिशें की हैं उन्हीं के फॉर्मूलाज तो नहीं एग्जैक्टली कहूँगा बट उनकी स्टोरीज सुन के मैं अपने पास रखता था बीट एनीवन और उसी से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश किया करता था कि मुझे कुछ करना है ऐसे ही एक इवेंट हुआ था स्कूल में जहाँ पे टीचर्स ने बोला था कि आप जो कुछ भी अपने फ्यूचर में बनना चाहते हैं करना चाहते हैं वो उस तरह से ड्रेसअप होके आइएगा तो मैं भी चला गया और मैं मिस्टर एक अक्षय कुमार साहब की फिल्म आई थी मोरा उसके गाने की तरह मैं ड्रेसअप होके चला गया सो एवरीबडी वॉज लाइक कि ये क्या जमूरा डमरू सा बन के आ गया है मतलब अब ये हीरो बनेगा सो बट मेरा क्लियर था कि मुझे यही बनना है मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर और वो आज जब होते हुए देख रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है कि फाइनली आई मेड इट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली बॉम्बे में वापस आ गया बहुत सारा परेशानियों से जूझते हुए अपने फादर को देखते हुए क्योंकि वो सारे टाइम ड्यूटी करते थे अपनी जॉब पे मतलब अपने बिजनेस को संभालते थे मेरा उसमें कभी मन नहीं लगा सो मैंने सोच लिया था कि कुछ अलग करना है तो फिर फाइनली इस करियर में आने का फैसला किया घर वालों ने 5,000 रुपये दे के पिताजी ने और टिकट दे के भेज दिया था जाओ जो करना कर लो देख लो तुम भी अपनी किस्मत आजमा के
2004 में मैं फिर बॉम्बे आया था इसी करियर को परसू करने के लिए, बट उस टाइम इतना कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल नया था. जिनके भरोसे आया था उनके पास रहने गया तो उन्होंने रातों रात मुझे अपने घर से निकाल दिया कि यहाँ आप नहीं रुक सकते हो, आपको अपना खुद ही इंतज़ाम करना पड़ेगा. पूरी रात लोखंडवाला मार्केट के पास जो एरिया है वहाँ पर घूमता रहा. नेक्स्ट डे फिर से वही जद्दोजहद शुरू हुई. सो आई फेल्ट कि यार ऐसा होगा नहीं, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाऊंगा वापस और एक ट्रेनिंग लेकर आऊंगा यहाँ पर. सो मैंने उन्हें कॉल करके बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ. तो उन्होंने बोला, अरे क्यों जा रहे हो, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है, सब प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, गाड़ियों में रहे हैं, ये हुआ है वो हुआ है, एक एक कमरे में 12-12 रहते थे. मैंने कहा वो रह पाए होंगे, भाई मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा ये, मैं जाता हूँ तैयारी करके वापस आता हूँ. मैं वापस गया घर, घर वाले खुश थे कि चलो लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग करने आया था. तो मुझे अब ये था कि मुझे अब करना है और मुझे अब डिटैच भी होना था अपने फादर के बिज़नेस से. सो मैंने बहुत सारे और काम शुरू किए. मैंने रिसर्च कंपनी के लिए जो उनके फॉर्म्स निकलते हैं रिसर्च कंपनी के, उसका ट्रांसलेशन का काम शुरू किया. ये जो सेट टॉप बॉक्स आपके घरों में लगे हुए हैं, ये बहुत पहले शुरू हुआ था काम. तो ये मैं जाके हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं उनको बताता था कि आपको सेट टॉप बॉक्स लगाने पड़ेंगे. ये काम किया और कई काम किए. मैं डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया, उसके लिए मैं सूरत में रहा कई टाइम. तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहा. बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी हटना है और कुछ ऐसा करके फटाफट कोर्स या कुछ करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए. सो एक दिन मेरे चाचा ने मुझे एक कटिंग दी थी श्रीराम सेंटर की, वो लेकर मैं मंडी हाउस पहुंच गया, क्योंकि मंडी हाउस दिल्ली में बहुत थिएटर होता है. और कई बार मैं भी जब निकलता था वहां से तो मुझे लगता था यार ये जगह है जहां पे मैं बिलोंग करता हूं. तो मैं वो लेके वहां पहुंचा और NSD में पहले मैं गया. वहाँ पे मुझे इरफान खान साहब, NK शर्मा और रोबिंदा सर मिले. तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ऐसे ऐसे मुझे यहाँ एडमिशन लेना, कैसे हो पाएगा. देन ही सेड कि बेटा यहाँ तो ग्रेजुएट्स को ही एडमिशन मिलता है और अगर तुमको कोर्स करना है तो तुम श्रीराम सेंटर जा सकते हो, वहाँ पे शायद तुम्हारी बात बन जाएगी. तो मैं श्रीराम सेंटर गया. मैंने वहाँ जाके वो क्लिपिंग, वो जो मेरे हाथ में थी वो एग्जैक्टली वही एड्रेस था. तो मैंने उनको बोला आप मुझे प्लीज़ दे दीजिए फॉर्म, मैं जमा कर लेता हूँ. फॉर्म मैंने लिया, मेरे पास डायलॉग आ गया, मैं डायलॉग रेडी करके पहुंचा और जिस दिन मेरा ऑडिशन था मैं पहले दो लाइनों में फंबल मार के भूल गया सब कुछ. एंड आई वाज लाइक के मुझे ये चिंता नहीं हो रही थी कि अगला डायलॉग मुझे याद करना, मुझे ये चिंता होने लगी कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाला है. एंड जो मेरा ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने बोला हो गया बेटा जाओ. मैं जाने लगा था, मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैं वापस मुड़ा, मुझे रियलाइज हुआ कि अभी हुआ नहीं है भाई, अभी तो कुछ किया ही नहीं है. मैं वापस मुड़ा, मैं वापस आया, उनको मैंने बोला सर एक डायलॉग याद है मुझे फिल्म का, वो सुना दूं क्या, आया हूँ इतनी दूर से, कुछ इन्जॉयमेंट ही कर देता हूँ आपका. बोले सुनाओ. तो मिस्टर बच्चन साहब का वो डायलॉग है खाकी फिल्म से, वो डायलॉग मैंने उन्हें पूरा करके दिखाया एंगरली और वो सब ना गुस्से में टेबल वेबल पटक के उनके सामने. तो पता नहीं उनको क्या हुआ और रिसेट के ठीक है देखते हैं कुछ. तो वहाँ पे फिर एक और हमारे टीचर थे मुश्ताक काक, जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया. उन्होंने बोला कि नाटक देखे हैं, मैंने कहा नहीं. पढ़े हैं, मैंने कहा नहीं. कुछ उनके बारे में जानते हो, मैंने कहा नहीं. मैंने बस इतना बोला मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए सर, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं मेहनत करूँगा, उसके बाद शिकायत नहीं मिलेगी. सर ठीक है जाओ. मैं अगले दिन आया तो रिजल्ट में देखा मेरा नाम था. वहाँ से मेरी असली जर्नी शुरू हुई थी, बिकॉज उसके बाद मैं अकेला हो गया था. उसके बाद सब ने अपनी अपनी तरफ से हाथ पाथ पीछे खींच लिया था. बट फिर नाटक जब मैं कोर्स में आ गया तो मैं बिल्कुल एक सोलली अपने ऊपर ही मेरा फोकस हो गया, दुकान पे कम जाने लगा और पूरा मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी कि अब यहीं पर सब कुछ करना है, इसी में अपना जुझारूपन दिखाना है और देना है. और उस दौरान 2007 में जब मेरा सेकेंड ईयर था, मैंने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे. मतलब मैं 5-5 रुपये मेरी जेब में होते थे और मैं हफ्ता हफ्ता निकालता था. बट पीपल वर अराउंड मी, मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया. बट मेरी सिर्फ एक ड्यूटी बन गई थी कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे ऐसा काम करके दिखाना है कि लोगों को ये ना लगे ये टाइम पास करने आया था, ये भी एक जस्ट ऐसे ही आता जाता एक लड़का है जिसको एक्टिंग का शौक चढ़ा और उसने अपना कुछ करने की सोची, हुआ नहीं हुआ चला गया. तो मुझे वो बड़ा डर था. मुझे ये था कि मेरी फैमिली में आज तक कभी किसी ने कुछ इतना बड़ा नहीं किया है, आज तक वो स्ट्रगल चलता रहा है, वो मुझे सब कुछ ख़त्म करना है. तो वो एक जोश, वो एक जुनून, वो एक पागलपन लेके मैं अपनी जर्नी पे निकला हूँ और उसी के प्रोसेस में मैं हूँ. तो 2D मैंने डिसाइड कर लिए थे अपनी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, उसको लेकर मुझे चलना है. फोकस से कभी नहीं हटना है. जो एक टारगेट मैंने बना लिया, लोगों का ये सपना हो सकता है, मेरा ये टारगेट था कि मुझे ये करना है और उसी टारगेट को लेकर मैं आगे बढ़ा. लगातार नाकामी झेलता रहा. 2007-2008 हुआ,
8 में पहली बार एक नाटक, 7 में पहली बार नाटक किया, तो वो गलती से मेरे पापा देखने आ गए थे और उन्होंने देखा एंड घर पहुंचा तो उन्होंने अपने आप ही शाबाशी दी, उन्होंने बोला तूने बहुत अच्छा किया है। वहाँ पर मैं वेरीफाइड हो गया था कि ठीक है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे फादर ने मुझे बोल दिया, मेरी मदर मुझे टोटली सपोर्ट कर रही है बिकॉज वो जिस तरह से उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आई थिंक आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट आई गॉट सच अ पेरेंट्स। और उन्होंने मेरे लिए जो किया मतलब इट्स कमेंडेबल, मतलब हर किसी के पेरेंट्स करते हैं बट अपने माँ बाप सबको वो लगते हैं। 2008 में फिर पहला टीवी सीरियल मैंने किया, देखा सीखने के लिए, 2500 रुपये पर डे मिलता था। स्ट्रगल के दौर में मैंने एक्स्ट्रास का भी काम किया था जब बिल्कुल करियर शुरुआत की थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे मिलेंगे, रंग दे बसंत, 300 फिल्मों में मैं एक्स्ट्रा का रोल किया था, करता था 150 रुपये पर डे। तो अब वो टाइम लग रहा था आ गया कि कुछ बड़ा होना मेरी लाइफ में। पहली फिल्म मिली गांधी टू हिटलर, मुझे लगा था कि बिल्कुल एकदम आऊँगा ओपनली, मेरे को लॉन्च करेगा कोई, बट वैसा हुआ नहीं। सो एक छोटा सा रोल था, 7 सिपाही थे उसमें से एक रोल था, बट मैंने बहुत ईमानदारी से किया क्योंकि मुझे ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोई मौका नहीं देगा तो मुझे मौका तो खुद लेना पड़ेगा, अपना काम अच्छा देना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा सो दैट मैं सर्वाइव कर पाऊँ। मेरे लिए पैसा उतना बड़ा मैटर नहीं था उस वक्त, मेरे लिए था कि मुझे अच्छा काम करना है और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता गया। हर साल एक दो फिल्में मैं करता गया जिनमें छोटे छोटे रोल मिलते गए, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा है या ये बड़ा है। मुझे लगा जो भी मुझे काम दिया गया मैं वो शिद्दत से करूं, बस। क्योंकि दो चीज़ें और जो दो पी हैं बड़े इंपॉर्टेंट, पेशेंस और पैशन, इन दोनों को मैंने ध्यान में रखा कि मैं पैशनेट हूं, मुझे पेशेंस रखना है, अपने आप टाइम आएगा, अच्छा काम मुझे मिलेगा, लोग मुझे बड़ा काम देंगे, और ये नहीं हो सकता है कि काम नहीं मिलेगा। अब वो दौर आ गया जब बाहर काम नहीं मिल रहा था और मैं किसी की आस पे बैठ नहीं सकता, तो आई डिसाइडेड कि ठीक है कोई काम नहीं देगा तो काम जनरेट करूंगा, आजकल तो दौर भी है। सो मैंने खुद ही डिसाइड किया, मैं खुद ही एक कंपनी बनाई, थिएटर ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, प्लेस डायरेक्ट करने लगा, अडाप्ट किया, तो इस तरह से खुद भी काम किया और जो साथ में लोग थे उनको भी काम पे लगा लिया, तो वो मुझे और शक्ति देते गए, वो मुझे और अप्रिसिएशन जो मिलता गया, जो और जोश मिलता गया, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, तो मैं फाइट बैक करता था वापस। ये कुछ चीज़ें थी, डेली एक नई इंस्पिरेशन अपने लिए सोच रखी होती थी कि कल मैं ये काम करूँगा, कल मैं वो नया काम करूँगा जिससे मुझे खुशी मिलती है। इन चीज़ों ने मुझे हमेशा पुश किया, मुझे हमेशा ही कभी बोरियत या फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दी, एकदम मुझे पुश करते रहे कि ठीक है मेरे पास कल कुछ नया करने को है, कल कहीं किसी से नया मिलने को है, कुछ जानने को है, कुछ समझने को है। बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, प्लेस पढ़े, प्लेस देखे, कहानियाँ, फिल्में सब देखा, सो जस्ट टू गेट पेप्ड अप कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं ये सोचूं कि यार नहीं हो पाएगा, यार छोड़ देता हूँ। तो कुछ दोस्त थे जो मिले इस रास्ते में, प्रदीप, विकास, साहिल, धिनी, इन सब ने बहुत हेल्प करी, और भी बहुत तमाम लोग, वो ऑडियंस जिन्होंने पसंद किया काम को फ्रॉम माई स्टेज डेज, थिएटर के दिनों से, जिन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, पसंद किया, बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लीज़ अच्छा करते रहिए। तो वो सब कल्मिनेशन होता गया, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया, फिल्में करी छोटी छोटी, फाइनली फिर जाके जो बड़ा मेजर इवेंट हुआ वो हुआ 2017 में, बिकॉज उससे 2 साल पहले तक मेरे पास कोई काम नहीं था। अनुराग सर ने फिल्म देखी हुई थी 2016 में जो मैंने फिल्म की थी मराठिया गैंगस्टर, उसको एडिट किया था, तो मैं उनको कॉन्स्टेंटली पोक करता रहता था मैसेज पे, मैसेंजर पे मैसेज करके कि सर प्लीज़ मुझे काम दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए, आपने काम फिल्म एडिट करी, आपको फिल्म पसंद आई है, प्लीज़ कुछ काम दो। बट उन्होंने ही नेवर रिप्लाइड टू माई मैसेजेस। फिर एक दिन इत्तफाक से मैं और प्रदीप, हम दोनों ऑडिशन देने के लिए चले गए मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ, ऑडिशन दे रहे थे तो प्रदीप को बोला गया असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा कि आप आइए, एक सीरीज़ है, मेरे दोस्त को कि आप आइए एक सीरीज़ है, उसमें आपको ट्राई करना है। तो मैंने कहा साले मुझे क्यों नहीं बोला, मैं तो मतलब इतना बुरा तो एक्टर मैं भी नहीं हूँ और मुझे जानता भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर वापस गया, मैंने मुकेश सर को मैसेज किया डायरेक्ट, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर और जानते भी थे पहले से। तो मैंने कहा भाई कोई काम हो तो मेरे लिए बताइएगा। उन्होंने बोला कि हाँ एक रोल है, तेरे को मेरा असिस्टेंट कॉल करेगा, तू चले जाना। मैं ऑडिशन देने गया, वहाँ ऑडिशन दिया और इत्तफाक से अनुराग सर की भी मैं चॉइस था उस रोल के लिए, बंटी, जिसको आप सब ने अभी देखा है, सराहा है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो वो फाइनली रोल मुझे मिला, मेरा ऑडिशन उन्होंने लिया, उन्हें बहुत पसंद आया, ही रियली लाइक्ड इट। उन्होंने मैसेंजर पे मुझे मैसेज किया फाइनली कि मिल गया रोल, खुश है, बड़ा रोल है, फाड़ना है।
मेरे मन में ही मैंने बोला, मैंने कहा सर अब तो फाड़ ही देना, क्योंकि क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि ये शायद मेरा अब पहला और आखिरी मौका है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। अगर मैंने ये क्रैक नहीं किया या मुझे नहीं मिला तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो शायद ये तो नहीं कि मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि वापस जाने के लिए मैं आया नहीं हूं। ये था कि शायद और समय लगेगा, तो वो पता नहीं मैं झेल पाऊंगा कि नहीं। बट आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू ऑल टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड द रेस्ट विल बी हिस्ट्री। क्योंकि हम जब तक अपने आप में विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं होगा, आई थिंक कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे हम। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, कोई किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई आके मुझे काम देगा, कोई मेरे अंदर जोश भरेगा, कोई मुझे यू नो पुश करेगा, कोई कुछ भी करने नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमको अपने आप से चीज़ों को डिसाइड करना है, हमको अपनी किस्मत खुद बनानी है, खुद लिखनी है। और मैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल लूँ, मेरे को बताते थे हाथ में तुम्हारे ये है वो है, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अपने आप काम करूँगा, मेरी ये हिम्मत है, ये ताकत है, मैं अपने आप प्रूव करके दिखा दूँगा। और मैं उसी एटीट्यूड के साथ काम करने आया, उसी एटीट्यूड के साथ काम कर रहा हूँ। दो पी और हैं, प्रैक्टिस और प्रोसेस, इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छे और बढ़िया काम करने की तलाश में हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ। और मैं आई एम श्योर आप सब जो भी मेरे नेक्स्ट काम आने वाले हैं वो देखेंगे, आप खुद भी बता पाएंगे। तो मैंने ये चीज़ अपने लिए डिसाइड की है जो मुझे यहाँ तक लाई है। बट एक चीज़ और, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा कुछ बने, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, बिना सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्त अगर हैं तो दोस्त सपोर्ट करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदार हैं तो वो सपोर्ट करें, रादर देन कमियां और खामियां निकालने के। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है कि टैलेंट निकल कर आगे आए, वो कहीं एक कोने कमरे में बंद होकर ना रह जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। वो किसी भी फील्ड में हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एक्टिंग की फील्ड, वो किसी भी फील्ड में हो जाए। दैट्स इट। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.